बारिश बहुत हो रही है और अगर आप और मैं परेशान हैं तो सोचिए हमारे पेड़ों का क्या हो रहा होगा। इतनी भारी बारिश होने के बाद या तो बहुत पुराने पेड़ गिर जाते हैं या उनकी ब्रांचेस टूटकर सड़क पर गिरेंगी या कुछ ना कुछ हजार्ड होता रहता है। बट डू यू नो वाई दिस रियली हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस? बिकॉज द ट्रीज आर कॉन्क्रिटाइज अराउंड द बेस एंड दिस चोकिंग वीकेंस देयर रूट्स एंड द ट्री बेंड्स फॉर सपोर्ट व्हिच एवर साइड इट फाइंड्स। एक्सेसिव वन साइडेड प्रूनिंग ऑल्सो मेक्स देम वीक एंड इवेंचुअली बेंड और गिव अप इन दी स्टॉर्म्स एंड रेन्स। इमेजिन एक 45 डिग्री एंगल पर टिल्टेड खड़े रहना भारी बारिश में, ना आपको ठीक से खाना मिल रहा है ना आपको ठीक से पानी मिल रहा है और इतनी वाटर लॉगिंग हो जाए आपके चारों तरफ कि आपकी रूट्स यानी कि आप जहाँ से एक्चुअली सांस ले सकते हैं वहाँ से आप सांस ही ना ले पाएं। दैट इज एग्जैक्टली वॉट आर ट्रीज फील इन दिस हैवी रेनफॉल। अथॉरिटीज कहते हैं चलो इसे काट के इसका किस्सा खत्म कर दिया जाए, बट हेलो इतना सिंपल और ब्रूटल रास्ता लेना ही क्यों है? मिलते हैं दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के कुछ रेसिडेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट राजीव सूरी, अर्बन प्लानर ज्योत्सना दयाल और भवरीन खंडारी से, जिन्होंने अपने एरिया की ऐसे ही एक पेड़ की कहानी दी एंड होने से पहले बचा ली। ये रेसिडेंट्स पिछले 45 दिनों से अपने एरिया के एक एलिस्टोनिया ट्री को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ के हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट ने साउथ कॉर्पोरेशन के लोगों को वहाँ जरूर भेजा, पर उस पेड़ के सिर्फ टॉप हाफ को थोड़ा सा प्रून करके उसे वैसी ही स्थिति में छोड़ दिया। उन्होंने साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा कि ऐसे पेड़ों को ना सिर्फ हमें रिस्टोर करना चाहिए पर उनके लिए एक डेडिकेटेड ट्री डिजीज सर्जरी यूनिट भी होना चाहिए। अगर आपने भी अपने एरिया में किसी ऐसे ही पेड़ को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है तो आप भी उस पेड़ की लाइफ बचा सकते हैं उसे सिंपली रिस्टोर करके। ये कुछ आसान स्टेप्स हैं जिससे आप अपने पेड़ों को ही नहीं बट अपने कम्युनिटी के एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। नंबर 1, टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑफ द इंसिडेंट। नंबर 2, आस्क द ट्री कटर्स फॉर परमिशन लेटर फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द DCF। इफ दे डोंट हैव अ परमिशन लेटर, कॉल 112 और 100 एंड आस्क फॉर द PCR टू अराइव ऑन द लोकेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्वीट टू द दिल्ली पुलिस। व्हाइल यू वेट फॉर द PCR टू अराइव, कॉल एंड इन्फॉर्म द ग्रीन हेल्पलाइन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट and tweet to the Delhi government. When the PCR arrives, ask them to stop the work and maintain status quo till local police arrives. Upon arrival of local police, ask them to call the forest department to verify the authenticity of the permission. If the permission is not authentic or cutting is happening beyond which has been permitted, then ask them to register an FIR under the Delhi Preservation of Trees Act 1994 and inform the forest department of the same. Request that the implements and felled wood be seized. Give a written complaint with details of what, where, when, why and how things happened and take a copy with receiving stamp from the police station. Please also write separately to your concerned divisional deputy conservator of forests or the tree officer and other senior officers. And last but not the least, और लोगों को ट्री रेस्टोरेशन के बारे में बताइए। अगर आपके पास ऐसी ही किसी इको वॉरियर की स्टोरी है तो शेयर करिए हमारे साथ लेट मी ब्रीथ पर।